आज के इस कैलेंडर टॉपिक में हम जानेंगे कि लीप वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कैलेंडर टॉपिक में, कैलेंडर में क्या चीज़ होता है, दो पार्ट होता है। साल में एक जगह आपको कभी 365 दिन दिखाई देगा और कहीं पे 366 दिन दिखाई देगा। तो जहाँ पर 365 दिन आपको दिखाई देता है ना, वो आपका साधारण वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। और जहाँ पर 366 दिन हो जाए, यानी जिस वर्ष आपका 366 दिन हो जाएगा, वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका फरवरी, जो फरवरी का महीना होता है ना, वो 28 दिन का होता है। और इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। बस इतना सा बात आपको जानना है। दूसरी बात, अब बात आती है कि हम लीप वर्ष को पहचानेंगे कैसे। देखिए लीप वर्ष को पहचानने के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। आपको पहचानना कैसे, आखिरी का जो दो डिजिट आप देख रहे हैं उसको आप चार से डिवाइड लगाइए। पहले तो सिंपल सा बात है, लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम चार से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? चार से भाग देते हैं लीप वर्ष को पहचानने के लिए। अगर चार से पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आपका जीरो आना चाहिए, यानी कि शेषफल जीरो आना चाहिए। अगर शेषफल जीरो आ गया तो वो वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। दूसरी बात आपको जानना है कि यदि कोई शताब्दी वर्ष हो, जैसे कि ये वाला आप देख लीजिए 1800 है, इसको निकालने के लिए शताब्दी वर्ष है, ये 2000 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को डिवाइड करना है 400 से। किससे डिवाइड करना है? 400 से डिवाइड करना है। और उसमें आपका रिमाइंडर जो है आपका जीरो आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो वर्ष जो है आपका लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियोस में हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे कैलेंडर टॉपिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।